हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कस्टम यूआरएल के बारे में। कस्टम यूआरएल को कैसे इनेबल करते हैं और इससे क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो तो लास्ट तक ध्यान से देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये देखिए, इसे ध्यान से देखिए, ये सब्सक्राइब बटन है, ये वीडियो के नीचे होता है। अगर आप मोबाइल से देख रहे हो, यहाँ पर टच करें और ये आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और सब्सक्राइबेड हो जाना है। इसके बाद एक घंटी दिखेगी, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारी वीडियो को शेयर करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, ठीक है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कस्टम यूआरएल को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आप अपने वीडियो मैनेजर में जाइए, अपने चैनल पर आइए इसके लिए, और ये आपको यहाँ पर इनेबल दिखेगा। इसके लिए आपके 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबेशन होना बहुत ज़रूरी है और 1 महीने से ज़्यादा पुराना चैनल होना चाहिए आपका। फ्रेंड्स, 2 चीज़ें होने पर 100 सब्सक्राइबर्स और 1 महीने से ज़्यादा पुराना चैनल, ये दोनों होने पर ये आपका इनेबल हो जाएगा। इस पर इनेबल करने के लिए इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा आ रहा है यू री एलिजिबल फॉर ए कस्टम यूआरएल क्लेम इट हेयर। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हेयर लिखा है, मैं आपको बड़ी फोटो करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस हेयर पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आया है गेट ए कस्टम यूआरएल, हेयर्स हाउ यू लुक ऑन youtube.com आइए सीखते हैं एड ए न्यू कैरेक्टर। मैनी पीपली हैव द सम नेम एड ए 5 एक्स्ट्रा लेटर्स ऑफ नंबर्स टू मैच दिस यूआरएल यूनिक टू यू। यहाँ पर हमें कोई 5 कैरेक्टर्स टाइप करने हैं, वो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं आप टाइप करके दिखा देता हूँ। मैं टॉपिक टाइप कर देता हूँ, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क बना हुआ आ गया। ये देखिए, टॉपिक टाइप करने पर चेक मार्क बना हुआ आ गया। इस चैट मार्क के आने पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है चेंज यूआरएल पर, और एक यहाँ पर क्लिक करना है आई हैव रीड एंड एग्री टू द कस्टम यूआरएल डन ऑफ यूज। आप चाहें तो ये सर्विसेज पढ़ सकते हैं, और अगर आपको नहीं पढ़नी तो यहाँ पर चैट मार्क लगाकर चेंज यूआरएल पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं एक बार फिर भी पढ़ लेता हूँ। ये है इसकी कस्टम यूआरएल टर्म्स ऑफ यूज, ये आप सब पढ़ लेना। इसे पढ़ने के बाद ही आपको यहाँ पर चेक मार्क लगाकर चेंज यूआरएल पर क्लिक करना है। चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं।
ये सब ठीक है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर चेक मार्क लगाकर इस चेंज यूआरएल पर क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारा कंफर्म कस्टम यूआरएल आया है और ये बोल रहा है, आप सभी पढ़िए ध्यान से, कस्टम आर यू सर यू वैन टू चेंज यूर पब्लिक यूआरएल youtube.com CIA हैं टॉपिक कौन सी कंफर्म देगी कस्टम यूआरएल। YouTube हमसे कंफर्म करने तो बोल रहा है, पहले मेरे चैनल का URL था youtube.com/CIA सीखते हैं, अब आने वाला मेरा URL हो रहा youtube.com/CIA सीखते हैं टॉपिक। चलिए कंफर्म चॉइस पर क्लिक कर देते हैं। दिस चैनल दो इज नॉट एक्सिस्ट, तो आज की वीडियो यहीं तक थी, इससे आगे मैं फिर बनाऊंगा।